हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीपी में। आज मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा कि हमारा जो कैपेसिटर होता है वो किस कारणों से फूलता है, उसके मेन कारण क्या हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों, जो फर्स्ट कारण होता है हमारे कैपेसिटर का फूलने का, वो होता है जो हमारी सप्लाई होती है उसमें फ्लक्चुएशन होता है, जिस कारण से हमारी जो वोल्टेज है वो 220 आती है, तो कभी कभार उतार चढ़ाव होता है, जिसके कारण से ये कैपेसिटर हमारा फूल। दोस्तों, जो हमारा अगला कारण आता है कैपेसिटर फूलने का, वो देखिए, ये आईसी है हमारी। ये आईसी के किनारों किनारों में SMD कैपेसिटर लगाए गए हैं, जो कि आईसी में फॉल्ट आने के कारण ये सब फूल जाते हैं। इसके लिए हमें कैपेसिटर को चेंज करना पड़ता है। मेनली कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर होता है, एक पोलराइज कैपेसिटर होता है। नॉन पोलराइज में हमें प्लस माइनस नहीं दिए गए होते हैं, जबकि हमारे पोलराइज कैपेसिटर में प्लस माइनस हमें दिया रहता है। अब आप इसे पहचान कैसे सकते हैं, ये देखिए, ये कैपेसिटर का ऊपर सिरा यहाँ पे फूल रखा है। आप एक तो इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं, और दूसरा, जो जिस सिस्टम में ये फूला हुआ कैपेसिटर होगा वो बड़ा लेट करेगा खुलने में, प्रोसेस होने में बहुत लेट लगाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये इसका कैपेसिटर फूल चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की नॉलेज